उसके बाद रमज़ान में सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्या है, उसके बाद कुरान है रोज़े के बाद। तो कुरान मजीद जितना ज़्यादा हम पढ़ सकें, और कुरान मजीद समझने के लिए भी कुछ आधा घंटा निकालो, इसलिए कि जब कुरान पढ़ने के लिए बात कही जा रही थी तो वो समझने वाले थे सब वो। अब हम लोगों क्या है, लैंग्वेज अलग होने से समझने का मसला ये हो जाता। तो कुरान मजीद का आप लोगों को मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा ख़रीदो, बोले ना आसान है वो भी पढ़िए आप रमज़ान में, एक आधा घंटा तो पढ़िए, और इस नीयत से पढ़िए कि अल्लाह मेरे से बात कर रहे हैं, मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ, आखिर मेरे अल्लाह बोले क्या। इतने अरबों इंसान हुजूर से लेके अब तक उसको रटते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, आखिर ये है क्या, सारी दुनिया जिस पे मुत्तफिक है इसमें है क्या। मगर उसमें बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें मुनाफिकीन के किस्से, यहूद के किस्से, अहले किताब के किस्से, जंगों के किस्से, अजाबों के किस्से, वही बात नहीं दोहरा दोहरा के आती। इस वास्ते जितना समझ में आए, दिल को असर हुआ लेते रहना, कोई बात समझ में नहीं आई तो अल्लाह को मालूम है इंशाल्लाह बाद में फिर समझेंगे बोल के आगे बढ़ जाना, उलझना नहीं। अल्लाह मुझसे बात कर रहे हैं, फिर कुरान मजीद की पूरी अजमत तारी कीजिए पढ़ते वक्त, कि सारी दुनिया इंसानियत अंधी है, कोई साइंस मिलके पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज मिलके जिंदगी की हकीकत नहीं बता सकते, इतनी बड़ी दुनिया चल रही है मगर इसके अल्लाह के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ कलाम, ये इंसानियत की रोशनी है, ये इंसानियत के लिए जिंदगी का सहारा है ये कलाम। बाकी पूरी किताबें भी क्या हो गया, वो खलत मलत हो गई, तहरीफ हो गई, बिक गई, मिट गई, एक किताब हूबहू अल्लाह की पूरी बात कही है तो ये कुरान है। तो कुरान की अजमत लेके कितनी बड़ी दौलत हमारे पास है, पढ़ना। इतने हुफाज बने, इतने लोग तिलावत कर रहे हैं, इतने लोग जिंदगियां लगा दिए उसमें, अल्लाह का कलाम, पूरे जन्नत के दर्जात उसमें छुपे हुए हैं, बहुत बड़ी चीज है। तो कुरान मजीद कसरत से पढ़ना है, और कुछ कुरान मजीद याद भी कर लेने की नीयत रख लीजिए, कुछ कुरान मजीद याद कीजिए, रमजान में आया है, रमजान में तो याद करें कम से कम। हर आदमी अपना टारगेट बना लो, पूरे रमजान में मैं कितना कुरान याद करूंगा, दो पेज, चार पेज, कुछ तो भी जितना याद करें उसको बहुत पढ़ते रहना फिर रमजान में, तो वो पूरा रमजान पूरे 30 दिन पढ़ना, जो आज जो याद करे ना उसको 30 दिन तक रोज फिर पढ़ना, कल जो याद करे दो को मिला के फिर परसों याद, पूरे को 30 दिन पढ़ना। आप कितने कुरान पढ़ रहे हैं बोल के कई को सीधे आपको लोग बोल रहे, मेरे 3 हुए, मेरे 4 होने हुए, बोल याद करो कुरान पढ़ो, बोले नहीं आता, पढ़ा हुआ जो याद करो, पूरा पढ़ के हिसाब रख के 3 हुए 4 हुए बोलने के चक्कर है क्या, याद करो ज्यादा। तो कुरान मजीद कसरत से पढ़िए रमजान में, कुछ देर मजे से पढ़िए कम से कम, 24 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे उतना मजे से नहीं पढ़ रहे, तो भी एक 20 मिनट 25 मिनट ऐसा अल्लाह का कलाम पढ़ो समझ के, पूरा निकाल के रख दो पूरा फन उसमें, प्यार से मोहब्बत से पढ़िए, हल्की आवाज में बैठ के अल्लाह का कलाम मेरे दिल को मैं उतार रहा हूँ समझ के, अच्छा पढ़िए थोड़ी देर। कुरान मजीद पढ़ने की क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पे बहुत तवज्जो दीजिए, उससे मज़ा लेना, उससे अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह का कलाम उठ पूरा दिमाग हाजिर करके पढ़ना, तर्जुमा ये अल्लाह बोल रहे हैं बोल के हाजिर करके पढ़ना, कुछ कुरान मजीद से आपकी मुलाकात हो जाना रमज़ान में, ऐसे नहीं ऊपर से जा रहे खाली हमेशा जैसा, ऐसा लगना कि आप कुरान आपको समझ में, हाँ अल्लाह मेरे को बोल रहे बोले ऐसा दिखना, आपको मुखातब करे ऐसा दिखते रहना, वो लेवल पे जाओ, अल्लाह से बातें करने के लेवल पे जाओ। मगर कसरत तिलावत खास मकसूद है रमज़ान में, इसलिए कि हुजूर पूरा कुरान दोहराते थे, तो ख़त्म करना भी मकसूद है, पूरा ख़त्म करना भी मकसूद है, इस वास्ते उसमें भी कोताही नहीं होना, थोड़ी देर उसकी से दिले ताल्लुक बनाने की कोशिश, मगर ज़्यादा तिलावत फिर।
अल्लाह के बोल मेरी ज़ुबान से निकल रहे बोल के महसूस करना, थोड़ी थोड़ी देर ग्रुप के, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बोल किसके है, अल्लाह के, मेरी ज़ुबान से निकल रहे, कितना अल्लाह का फजल है। फरिश्ते नहीं पढ़ सकते कुरान, मेरे को पढ़ने की इजाज़त है। तो ये मरते ही हमारे साथ खबर में आता सिफारिश करने के वास्ते, ज़बरदस्त पहलवान है ये, सिक्योरिटी गार्ड है कुरान, हर जगह आके सेफ्टी, नौजवान की शक्ल में आता, आके खबर से लेके जन्नत में जाने तक हमारी हिफाजत करते रहता, कहीं भी अटक नहीं देता, कहीं भी गाड़ी फंस रही तो सिफारिश करता अल्लाह के सामने, ये कुरान पढ़ता था, ये मेरा दोस्त है उल्गुलदा कुरान, ज़्यादा कुरान पढ़ता था ये, और मैं आपका कलाम हूँ, मेरी नहीं सुनते क्या आप, बोलता आपका कलाम हूँ मैं, मेरा आर्गुमेंट काबिल कबूल नहीं है तो किसका, मैं सरकारी वकील हूँ बोलता कुरान, मैं आपका ही कलाम हूँ ना बोलता। तो कुरान मजीद को अपना वकील बना लेना, तो कसरत से पढ़े तो ना वकील साहब अच्छे बड़े, सुप्रीम कोर्ट का वकील बात रहते ना, बहुत ही फीस रहती है उनकी है। मगर बोला मुकदमा हाथ लिए हार में लिए तो हारता नहीं आदमी, बड़े बड़े है बस वकील। तो कुरान मजीद क्या है, बहुत बड़े वकील साहब है, इस वास्ते कुरान मजीद से रिश्ता, और अल्लाह से दुआ करना साल भर भी पढ़ने की तौफीक मिले। एक तो है दोजख से पना मांगना, जन्नत खूब शौक से मांगना, रोज़ा अच्छा संभाल के संवार के रखना, रोज़े में भी इफ्तार के वक्त को ख़ास तौर पे सुबह की मेहनत का हासिल करना है, बल्कि अच्छा गुजारना इफ्तार के वक्त, और उसके बाद कुरान। कुरान में क्या है, कसरत से तिलावत, कुछ देर तो अच्छा उसके फजाइल को सोच के डूब के तिलावत, तर्जुमा कुछ देर, फिर उसके साथ जो है तरावी अच्छी पढ़ने की कोशिश करना, पहले से थोड़ा सो के इसम उसम दबा लेके फ्रेश होके जाना तरावी को, जंग में उतरे ऐसा जाना ढिल्ले जो है अब्बा कब ख़त्म होती है ऐसा जाना, थके माने गए तो उन्होंने दो रकात पढ़े तो जब अपने को 20 रकात हो गए क्या, और ऐसा दिखते रहता। तो थोड़ा तैयारी करके जाना अपन, जहाँ कुरान अच्छा पढ़ा जाता हो रवानी से वहाँ पढ़ने की कोशिश करना, बड़ी प्यारी इबादत है, साल में एक मरतबा मिलती, हमेशा मिलती नहीं, तो अच्छी तरह भी पढ़ने की कोशिश करना। ख़ास कुरान की चीज़ें हो, मतलब रमज़ान की ख़ास चीज़ें, दूसरे से हट के साल भर नहीं मिलती, हो सके तो कुछ नवाफिल भी कुरान वाले पढ़ना, जितना याद है, जैसे हाफिज़ा पूरा सुना रहे ना, आपको याद है उतने सूरे भी तो सुनाओ ना आप अल्लाह को अकेले में, आप लोगों को भी तो कुछ सूरे याद है ना, आपको पूरा कुरान याद नहीं है मगर आपको, आपको भी 10 सूरे 20 सूरे 25 सूरे 50 सूरे आप कहीं को नहीं सुनाते, आप भी नफिल में पढ़ो। तो तरावी आप नहीं पढ़ सकते तो आप अलग से नफलें पढ़ो घर में हल्की आवाज़ के साथ, जिसमें पूरा कुरान अल्लाह को सुनाओ अच्छा मज़े से। ये अल्लाह को कुरान सुनाने का महीना है, जिब्राइल को हुजूर पूरा कुरान सुनाते थे, तो आप लोग भी तो दौर होना ना, आप लोग दौर कब करते, जितने याद है उस पूरे का दौर आपका भी होना, और नमाज में सुनाना। अब नमाज में पढ़ना बोले तो क्या होता, जो कच्चा पूरा कच्चा सूरा आप जोर से पढ़ना शुरू करें तो अटक जाते आप। जोर से आवाज़ से पढ़ना बोले तो बहुत पक्का होना पड़ता, इसलिए आपके जो जो सूरे कच्चे हैं उनको अच्छा जबानी कई मरतबा पढ़ के नमाज में अल्लाह को सुनाओ, तहज्जुद वगैरह में कभी रात के वक्त सुनाना, आवाज़ से पढ़ने का मज़ा कुरान का अलग रहता। तो रमज़ान में पढ़ो ना, औरतें पहले कैसे भी उठ जाके बेचारियाँ पकवान करते रहते, अपन लाड साहब के साथ सोते रहते, पूरा रेडी होकर रख दिएगा, पूरा रख के उठाना कहते इनको। तो कम से कम वो वक्त क्या करना, अपन बीवी को बोलना अम्मा तेरे हिस्से की भी थोड़ी मैं तिलावत करके तेरे को बख्श दूँ बोल के, तो पका रही ना बोल के थोड़ी तिलावत करके उसको वस्ते दुआ करना। तुम पका हो तुम्हारे हिस्से की भी मैं तहज्जुद पढ़ लेंगे, एक 4 रकात तुम्हारे को दे दे तो बोलना, दे तुम्हें तो उनके वास्ते दुआ करना। तो बेचारियाँ पका रही तो अपन कुछ उनके वास्ते दुआएं तो करना। बहरहाल
कोशिश कीजिए कि सहरी में कुछ आप भी कुरान सुनाने वाले हो जाएं। नमाज में कुरान की आदत डालो भाई, बहुत बड़ी आदत है, बहुत बड़ी इबादत है। खाली तो पढ़ना आता आप लोगों को, नमाज में पढ़ना कुरान, लंबी लंबी तिलावत नमाज में होना बहुत अल्लाह के करीब होते। उसका बेहतरीन मौका रमज़ान है, क्योंकि तो सुबह में सोना चाहना जी कैसा भी। कई लोग हैं जिनको सुबह में सोना ही है फजर के बाद कुछ करने के बाद, तो थोड़ा मेहनत कर लो जब तक उलाएं करें। तो आमाल में पहले नंबर पे तवज्जो देना है रोज़े पे, दूसरे नंबर पे तवज्जो देना है कुरान पे तवज्जो देना है, समझे।